so serious. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट आकाश, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड करके जो आईडी जाती है कंफर्म योर अकाउंट पे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन दे देता है, तो इसके ये आईडी जो है वो कैसे ओपन होगी। ठीक है, आई नो कि ये बहुत कम लोगों का ये प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं दो ट्रिक पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, दो ट्रिक के बारे में बात करूँगा और दोनों ट्रिक सेम बताऊँगा। एक तो ये हो गई, जैसे कन्फर्म योर अकाउंट पर जाता है तो अगर जिसका भी इस पर गया है, ठीक है, तो उसको कैसे रिकवर करना है और आगे क्या क्या स्टेप्स करने हैं आपको, और आगे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताते रहूँगा। ठीक है, और रिव्यूइंग वाला जो अपलोड कंप्लीट और रिव्यूइंग वाला जो है वो भी मैं इस वीडियो में इसी आईडी का बताऊँगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ, लेट्स सी। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कम्युनिटी डिसेबल है और रिव्यूइंग है, वो दोनों मतलब कि फेसबुक पे एकदम से छाया हुआ है, मतलब हर किसी के अकाउंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल करके रिक्वेस्ट रिव्यू है, ठीक है, ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का जो है आईडी कैसे ओपन होगी। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं उस टाइम वीडियो बनाना भूल गया था। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है आपको अपलोड आईडी फोटो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक हाथ में प्रूफ लेके और इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो हाथ में आपको प्रूफ पकड़ना है और रियल कैमरे से आपको अपलोड करना है, कोई ओल्ड प्रूफ नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद यहाँ पे एक आता है इंटरफेस किस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब आप अपलोड करोगे तो अपलोड आईडी का आता है। ठीक है, अपलोड आईडी के बाद करने के लिए वहाँ पे आप जब प्रूफ अपलोड करोगे तो इस तरीके का आता है अपलोड कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, आईडी आ जाता है आपको। ठीक है, जब अपलोड कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक मेल पे आप जो मेल आपका ऐड रहेगा उस मेल पे एक आपको नोटिफिकेशन आता है, चलो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। 29, 27 यहाँ पे, हाँ इस तरीके का देखो, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर आईडी, यहाँ पे देखो थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस फॉर ऑथेंटिक एसेस टू दिस अकाउंट। ठीक है, टू फिनिश द अकाउंट रिकवरी प्लीज प्रोसेस द रीगेन एक्सेस टू योर फेसबुक अकाउंट प्लीज क्लिक हियर। ठीक है, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा जब आप प्रूफ अपलोड कर दोगे और अपलोड कंप्लीट वहाँ पे लिख देगा तो। ठीक है, अपलोड कंप्लीट के बाद कुछ ही घंटे में आ सकता है यहाँ पे, तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, तब तक वो आईडी ओपन नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे जो वो अपलोड कंप्लीट होता है उससे आईडी जो है वो इस तरीके का रिव्यूइंग कुछ घंटे बाद रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन मे टेक लॉन्गर देन यूजुअल इस पे चले जाती है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, सेम है नीतीश, यहाँ पे नीतीश। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो नीतीश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन पे चली गई है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जिसका भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड रिव्यू रिक्वेस्ट रिव्यू वाला जो होगा वो वहाँ से अपलोड आईडी मांगेगा, वहाँ से आपको प्रूफ अपलोड करने के बाद अपलोड कंप्लीट वहाँ पे एक मेल आ जाएगा आपको थैंक्स फॉर कंफर्मेशन का, और उसके बाद यहाँ पे रिव्यूइंग पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं होगा। तो अब बात है कि रिव्यूइंग इन्फॉर्मेशन में टेक लॉन्गर देन यूजुअल, ये आईडी ओपन कैसे होगी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, दो वीडियो बनाई है मैंने रिव्यूइंग पे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आईडी आपका जब रिव्यूइंग पे जा रहा है, ठीक, अगर जितनी जल्दी हो सके आप अगर सबमिट कर दोगे अपील जो मैंने बताऊंगा मैं, जितनी जल्दी आप सबमिट कर दोगे उतना अच्छा रहता है। अगर आपका अकाउंट 4-5 महीने से रिव्यूइंग पे पड़ा हुआ है, उसके बाद आप ट्रिक ट्राई करते हो तो फिर आपका बहुत मुश्किल ओपन होना। ठीक है, तो इस बंदे का ज़्यादा नहीं एक हफ़्ता हुआ होगा रिव्यूइंग गए हुए। ठीक है, तो अगर एक हफ़्ता, 10 दिन 20 दिन, अगर 15 दिन के अंडर में आपका रिव्यूइंग गया हुआ है तो आप ये ट्रिक ट्राई करो और इससे ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने बस जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो चेंज कर रखा है, उसके बाद आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ मेथड। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है कि यहाँ पे रिव्यूइंग का इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वो इन्फॉर्मेशन इस बार अलग है क्योंकि हमेशा आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन से करना होता है क्योंकि आईडी अलग अलग तरीके से बंद हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो मैं चार लिंक देता हूँ, चारों लिंक कैसे करना है आपको लाइन वाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 लाइन वाइज करना है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो अलग टाइप का है इस बार। ठीक है, तो इसको आपका कैसे करना है, आपका जो अकाउंट कम्युनिटी से रिक्वेस्टेड रिव्यू अपलोड आईडी अपलोड कंप्लीट से मेल आ गया, मेल के बाद रिव्यूइंग चला गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक पे आप यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिंक ओपन करोगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लॉग आउट कर देना वहाँ से, अपने जो रिव्यूइंग वाला जो है सीन उसको लॉग आउट कर देना है, उसके बाद आपको ये लिंक ओपन करना है, उसके बाद मैं स्टेप बताता हूँ, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल पुट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ से सिंपली इसको उठाना है इसे, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं माय अकाउंट इज टेम्पररी लॉग विद द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, एंड जब मैंने उसमें प्रूफ अपलोड किया तो ये अपलोड कम्प्लीट, उसके बाद रिव्यू में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ अपलोड करना है, तो मैं प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ, सॉरी प्रूफ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है जो रिव्यू का लिया था आपने वो उसको। ठीक है, तो और गाइज एक बात ध्यान रखो, आप एक बात लास्ट सुन लो, जब भी आप रिव्यूइंग सबमिट करने जाओगे उस टाइम आपको ओपन अकाउंट करना है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है उसी टाइम का। ठीक है, आज कर रहे हो तो आज का स्क्रीनशॉट चाहिए, आज का स्क्रीनशॉट चाहिए, उसके बाद वहाँ से आपको आईडी लॉग आउट कर देना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सबमिट कर लिया, यहाँ प्रूफ अपलोड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, तो सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मैं सेकंड लिंक बताऊँगा, थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक। ठीक है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, यहाँ से देखते हो तो थैंक्स फॉर कन्फर्म आ गया। उसके बाद ट्रेवलिंग फॉर कन्फर्मिंग अकाउंट पर जाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस पुट कर लेना है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद ईमेल एड्रेस का मांग रहा है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस में सीधे यहाँ पे कॉपी करना है ईमेल एड्रेस आपको, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रूफ प्रूफ कुछ मतलब कि स्क्रीनशॉट नहीं मांग रहा है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं अपलोड करना है आपको, यहाँ पे सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये भी हमारा सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आना है थर्ड पे, और लॉग इन इशू करके जो है सिक्योरिटी चेक्स प्रिवेंटिंग लॉग इन, यहाँ पे आपको क्या करना है ईमेल पुट करना है, तो ईमेल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल पुट कर दिया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पुट करना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद हमारा जो थर्ड लिंक है वो भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे फाइल चूज कर लेना है, तो यहाँ से मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, तो ये भी हमारा सबमिट हो जाएगा, देख सकते हो थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट बचा है वो फीडबैक है, आपको एक बार फीडबैक देना है फेसबुक को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिव्यूइंग इन्फॉर्मेशन में टेक लॉन्गर देन यूजबल। ठीक है, यही है। उसके बाद ईमेल एड्रेस में आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस पुट कर लेना है, और क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद फीडबैक में आपको क्या करना है, यहाँ पे फीडबैक पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यही था हमारा जो है मेथड, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ध्यान रखना, मैंने बोला था यहाँ पे कि जब ये आईडी जो है इस तरीके का अपलोड कंप्लीट होने के बाद ऐसे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपको मेल पे आता है, तो ये जो आईडी है वो रिव्यूइंग पे गई हुई है, तो आपका ध्यान रखना है कि आपका जो रिव्यूइंग पे गया है वो ज़्यादा देर नहीं हुआ हो, महीने नहीं हुए हो यहाँ पे, तभी ये आपका वर्क करेगा। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का था, तो इसने 27-28 को सबमिट किया था और 29-30 को इसका रिव्यू आया था। ठीक है, तो 30 तारीख को रिव्यू आया था, मतलब 4 दिन हुआ है, तो 4 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ओपन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया, ये रहा देखो आज का स्क्रीनशॉट है, टाइमिंग देख लो ऊपर में, अभी मैं टाइमिंग जो बना रहा हूँ वो देख लो, और ये टाइमिंग देख लो इसका स्क्रीनशॉट का। ठीक है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद आपको लॉग आउट करके और मेल पुट कर करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और देख लो कि अकोमोडेशन रिक्वेस्ट रिव्यू के बाद क्या ऑप्शंस आते हैं, कैसे आपको उसको आगे स्टेप्स करने हैं, और उसके बाद रिव्यू पे जाने के बाद कैसे आपको मेथड अप्लाई करना है। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होगे, और मेल इंतजार करते रहो डिसेबल होने का, ये बहुत जल्दी डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद आप एक प्रूफ अपलोड करोगे, ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर ये ओपन नहीं होता है, मैं एक और बार बता रहा हूँ, अगर ये ओपन नहीं होता तो मैं इसके बारे में एक और जो रिसर्च कर रहा हूँ वो लेके आऊँगा वीडियो, और उस वीडियो में आपको क्लियर बताऊँगा कि क्यों ये ओपन नहीं हो रहा रिव्यूइंग। ठीक है, अगर ये अकाउंट ओपन नहीं होता है तो आज की वीडियो में बताएं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।